हेलो एवरीवन, आइए एक और क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ये एकेटीयू का 2022-23 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, जिसमें कि एक ऑटोमेटा हमें गिवन है, फाइनाइट ऑटोमेटा, और हमें इसका एक रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है। तो ये एक एनएफए है, क्योंकि एक ही सिंबल से मल्टीपल स्टेट में ट्रांजिशन हो रहा है। अगर आप Q0 को देखें तो ये सिंबल से आप Q0 और Q1 दोनों स्टेट में जा रहे हैं। तो ये एक एनएफए है, इसको हमें कन्वर्ट करना है रेगुलर एक्सप्रेशन में। सबसे पहले हम इक्वेशन बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम Q0 के लिए इक्वेशन बना रहे हैं। सो दिस इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन प्लस Q0 स्टेट में ए लेके आप Q0 स्टेट में रहते हैं, और Q0 स्टेट में बी लेके भी आप Q0 स्टेट में रहते हैं। सो लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद Q1 की बात करते हैं। तो Q1 इज इक्वल्स टू Q0 स्टेट से अगर आप ए सिंबल ले लें तो आप Q1 में पहुंच जाएंगे। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। एंड देन Q2 स्टेट की अगर बात करें, सो Q0 स्टेट से B सिंबल लेके आप Q2 स्टेट में पहुंच जाएंगे। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 3। देन Q3 इज इक्वल्स टू व्हाट, Q1 स्टेट से अगर आप B सिंबल ले लें, या Q2 स्टेट से आप A सिंबल ले लें, या Q3 स्टेट में आप C सिंबल ले लें, तो भी आप पहुंच जाएंगे स्टेट Q3 में। तो इसको हम कह रहे हैं दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो हमें ये देखना है कि क्या हम आर्डेंस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं क्या। तो अगर हम इक्वेशन नंबर 1 को देखें तो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड में हमारे पास Q0 है, इसलिए हम इस इक्वेशन को पहले पिक कर लेते हैं। सो Q0 इज इक्वल टू एप्सिलॉन प्लस Q0 अगर आप कॉमन लें, सो दिस विल बी ए प्लस बी। दिस इज ऑफ द फॉर्म आर इज इक्वल टू क्यू प्लस आर पी। तो हम आर्डेंस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे। Q0 की वैल्यू हो जाएगी QP स्टार, इसका मतलब एप्सिलॉन एन ए प्लस बी स्टार। आइडेंटिटी से आपको पता है कि एप्सिलॉन कॉन्कैटिनेटेड विद रेगुलर एक्सप्रेशन इज इक्वल टू आर, इसलिए Q0 की वैल्यू हो जाएगी ए प्लस बी स्टार। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, सॉरी इक्वेशन नंबर 5। नाउ आफ्टर दिस हम क्या करते हैं कि इसी की वैल्यू हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। सो Q1 की वैल्यू हो जाएगी Q0 A, इट मीन्स A प्लस B स्टार फॉलोड बाई A। आई एम डूइंग सम शॉर्टकट बट यू शुड नॉट डू दीज शॉर्टकट्स। सो इक्वेशन नंबर 3 से हम क्या कह सकते हैं कि Q2 इज इक्वल टू Q0 B, सो द वैल्यू ऑफ Q0 इज A प्लस B स्टार फॉलोड बाई B। सो ये Q2 की वैल्यू हो गई। इसके बाद आप Q3 में Q1 और Q2 की वैल्यू को अगर आप पुट करें, सो दिस बिकम्स Q3 इज इक्वल्स टू Q1 B, इसका मतलब कि A प्लस B स्टार A जो कि वैल्यू है Q1 की फॉलोड बाई B। एंड देन यू हैव Q2 की वैल्यू को पुट अगर हम कर दें, सो दिस इज A प्लस B स्टार कॉन्कैटिनेटेड विद B, यहाँ पे ऑलरेडी एक A है, एंड देन Q3 इंटू सी Q3 सी। सो अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखें, सो इसमें ये वाला पार्ट हम मान सकते हैं कि दिस इज Q, इसको मान लेते हैं ये R है, ये Q है, और ये R है ही, और ये हमारा P हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं R इज इक्वल टू QP स्टार के फॉर्म में आर्डेंस थ्योरम से। सो वैल्यू ऑफ Q3 क्या हो गई, सो दिस इज इक्वल टू A प्लस B स्टार देन AB प्लस A प्लस B स्टार BA, ये Q हो गया, और P स्टार हो गया ये C स्टार। थोड़ा सा हम इसको मिनिमाइज या शॉर्ट में भी कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो ये वाला पार्ट है, इसमें अगर हम A प्लस B स्टार को कॉमन लें तो इसको हम कह सकते हैं ए बी प्लस बी ए। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को हमने अप्लाई किया यहाँ पे, एंड देन फाइनली आप लास्ट में कह सकते हैं सी स्टार। सो दिस इज दी क्यू थ्री। सो सिंस Q3 वॉज द फाइनल स्टेट, आप ऑटोमेटा को देख सकते हैं, इसमें ऑटोमेटा में Q3 फाइनल स्टेट था, इसलिए ये जो पार्ट हमने फाइंड किया Q3 का, यही मेरा रेगुलर एक्सप्रेशन होगा कॉरस्पॉन्डिंग टू द गिवन फाइनाइट ऑटोमेटा। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। वी विल सॉल्व मोर प्रॉब्लम्स इन द सब्सिक्वेंट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।